ऋतु के चरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवरात्र स्पेशल लस्सी लेकर आई हूँ। ये लस्सी बहुत ही तरोताज़ा कर देती है हमारे मन को। तो चलिए आज मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के लगभग दही ले लिया है, जो कि ये होममेड दही है, घर पर बनाया हुआ, और ये खट्टा नहीं है। अब मैंने इसमें 1/4 कप के लगभग पाउडर शुगर ले लिया है और 2 से 3 मैंने इलायची के इसमें छिलके ले लिए हैं। 1/2 कप के लगभग हम इसमें पानी डाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। और बहुत ज़्यादा पतला हमको इसको नहीं करना है। अगर आपको पतली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। आप अपने चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम ले रही हूँ। 1/2 कप के लगभग मैं यहाँ पर आइस क्रश ले रही हूँ, जिससे कि लस्सी हमारी बहुत ही चिल्ड लग जाएगी होएगी। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और ये बहुत ही क्रीमी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्रीमी इसमें टेक्स्चर आ चुका है। तो सर्व कर लेते हैं हम इसको हमारी गिलास में, और इस नवरात्र हम इंजॉय करते हैं ये बहुत ही अच्छी हेल्दी लस्सी। तो आप इसे ट्राई करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर लेती हूँ पिस्ते और बादाम से। तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।